हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू टीवीएस रेडर 125 के बारे में। तो काफ़ी लोग जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं टीवीएस रेडर 125 के ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट को लेकर, स्पेशली जिनका बजट जो है वो 1 लाख रुपीज़ के अंडर का है, वो लोग सोच रहे हैं कि टीवीएस रेडर 125 के जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है उसे परचेस कर लें। बट फ्रेंड्स, बाइक जो है वो अभी मतलब शोरूम्स पर अवेलेबल नहीं है, तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप फ्रेंड्स सभी कलर ऑप्शंस को साथ में देखना चाहते थे तो आप इस वीडियो को देख लें। इसमें मैं सभी कलर ऑप्शंस को एक साथ दिखा भी रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा कलर ऑप्शन जो है वो आपको बेस्ट लगा, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको कौन सा कलर ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट लगा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेरियंट्स के बारे में। तो कंपनी ने 2 वेरियंट्स में इस बाइक को लॉन्च किया था, ड्रम ब्रेक वेरियंट और डिस्क ब्रेक वेरियंट। तो ड्रम ब्रेक वेरियंट का जो शोरूम प्राइस रखा था कंपनी ने, वो रखा था 80,442 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, जो कि ऑन रोड लगभग में आपको 96,000 से 97,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में मिल जाता है, जो कि 1 लाख रुपीज़ के अंडर की बाइक हो जाती है। वहीं अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स इसका डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट, तो आपको मिलता है 87,213 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, जो कि ऑन रोड आपको लगभग में 1,04,000 रुपीज़ से लेकर 1,06,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में मिल जाता है। तो प्राइसिंग में यहाँ पर आप ये मानकर चल सकते हैं कि ऑन रोड में लगभग में आपको 7,000 से 8,000 रुपीज़ का प्राइस में यहाँ पर डिफरेंस है प्राइसिंग में। बट फ्रेंड्स, मतलब 7,000 से 8,000 रुपीज़ ही जो है काफ़ी ह्यूज अमाउंट हो जाता है उनके लिए, जो कि एक बजट है, मतलब जिनका कि फिक्स है, जो कि अपने बजट से ऊपर नहीं जा सकते हैं और उन्हें एक अच्छी बाइक परचेस करनी है। तो ऐसे में फ्रेंड्स जो 125 सीसी सेगमेंट में रेडर जो ड्रम ब्रेक वाला वेरियंट है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है। बट फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मुझे शोरूम्स वगैरह से मैंने बात किया है, वहाँ से जो मुझे पता लगा है उससे फ्रेंड्स ये कन्फर्म हो गया है कि अभी इस ईयर में जो काफ़ी कम चांसेस है कि इसका ड्रम ब्रेक वाला जो वेरियंट है वो शोरूम्स पर आएगा, क्योंकि अभी वो लोग भी जो बुकिंग ले रहे हैं वो सिर्फ डिस्क ब्रेक वाले ही वेरिएंट का बुकिंग ले रहे हैं। ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट जो है वो कंपनी अभी प्रोवाइड नहीं कर रही है, अभी कंपनी जो है वो सिर्फ इसका डिस्क ब्रेक वाला ही वेरिएंट्स प्रोवाइड कर रही है। ऐसा नहीं है कि ड्रम ब्रेक वाले का डिमांड नहीं है, डिमांड है, बट अभी सप्लाई यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, मतलब इसका जो बुकिंग है वो भी आपको करवा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट जो है वो अभी तक आया नहीं है, मतलब यहाँ हमारे एरिया में भी नहीं आया। अगर आपके एरिया में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं कि अगर आपके एरिया में जो है वो अवेलेबल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसका डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट जो है वो परचेस कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप फिर दूसरी बाइक्स की तरफ भी जा सकते हैं जो कि इससे कम बजट में आपको देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट जो है वो परचेस करना चाहते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर तक का वेट करना होगा। नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में फ्रेंड्स कंपनी जो है इसका ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट्स प्रोवाइड कर सकती है और शोरूम्स पर भी इसकी बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ इसका डिस्क ब्रेक वाला ही वेरिएंट जो है उसे परचेस कर सकते हैं। और रहा बात इसका जो कनेक्टिविटी फीचर वाला जो मीटर कंसोल आने वाला था, तो इसका फ्रेंड जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मीटर कंसोल आने वाला था उसका भी अभी तक कुछ भी मतलब अवेलेबिलिटी नहीं हुआ है। वो फ्रेंड्स आपको सर्विस सेंटर्स पर ही अवेलेबल होगा। जैसे कि मैंने सर्विस सेंटर में भी बात किया था तो उन्होंने बोला था कि एसेसरीज़ का जो नंबर है वो आएगा जैसे ही, फिर मतलब वो मीटर चाहेंगे तो वो ऑर्डर करवा सकते हैं। बट ऐसा अभी तक कुछ भी अपडेट आया नहीं है कि इसका मीटर कंसोल यहाँ पर कब तक अवेलेबल होगा और क्या कुछ उसका एग्जैक्ट प्राइसिंग रहेगा। चार्जर और सीट कवर जो है वो आना स्टार्ट हो गया है, बट मीटर कंसोल को लेकर मतलब जो कनेक्टिविटी वाला था उसका अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। जैसे कुछ भी अपडेट आएगा आपको मेरे चैनल पर उसका वीडियो जो है वो मिल जाएगा सबसे पहले। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं मैं आपको सबसे पहले अपडेट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कराता हूँ। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू बाइक परचेस करने का सोच रहे हैं, ताकि आपकी कोई बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।